हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा ऐसे नाम हैं जिनका देश क्या दुनिया में एक अलग ही रुतबा है। दोनों की अपनी अलग ही पर्सनालिटी है, दोनों की अमीरी के चर्चे भला किसने नहीं सुने, लेकिन फिर ये मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि रतन टाटा हाईलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं, जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनी और रतन टाटा के पास 135 कंपनी, कौन जीतेगा ये अमीरी की जंग? तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आप ये समझ ही जाओगे और जान जाओगे, तो वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं मुकेश अंबानी। अगर रतन टाटा भी अपने सारे पैसे अपने पास रखने लगे तो वही बन सकते हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते? आज बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक पे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज़्यादा, कि कैसे हुई इन कंपनियों की शुरुआत? चलिए शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 2100 रुपये में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का सफ़र आसान नहीं था। हालांकि 1839 में जमशेद सी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह आ गई थी। बस परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर 21,000 रुपये में टेक्सटाइल कंपनी शुरू करने की सोची। फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसमें उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। वह इस काम में सफल हुए। उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट जमा किया। जब उन्हें इस बिजनेस से फ़ायदा हुआ, उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया, जिसका फ़ायदा उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बेटे दरोबजी टाटा उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। फिर उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया, जब उनका भी देहांत हुआ। साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनी को चलाते हुए उसे 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने अपने अंडर में कर लिया और उसे एयर इंडिया का नाम दिया। सरकार ने अब फिर से टाटा कंपनी को वापस कर दिया उनका एयर इंडिया। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस कर दिया। आज देश के युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी के नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बनवा सकता है। इनकी शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया के बिल्डिंग में तो मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। देश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहाँ उन्होंने अपनी पहली कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापिस एक चोल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरूभाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसाले और यार्न्स के ट्रेड में काम करता था। जैसे ही उनका यह काम सेट हुआ और उन्होंने विमल नाम का एक कपड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। यह कपड़ा बिजनेस ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को ही हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाला। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर पहुंच गया। तो चलिए चलते हैं नंबर 2, किसका पैसा है ज़्यादा, जिससे होता है उसका फ़ायदा। तो चलिए बात करते हैं इनके आज के पैसे की, क्योंकि इसी बात की तो होती है चर्चा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मुकेश अंबानी 88 मिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, जिनमें उनमें रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्यूल और जियो डिजिटल जैसी कंपनीज शामिल हैं। तो वहीं रतन टाटा में 135 कंपनियां शामिल हैं, फिर भी उनका नेटवर्थ मुकेश अंबानी से कम रहता है हमेशा। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी कि रिलायंस इंडस्ट्री जहाँ लिमिटेड सेक्टर में काम कर रही है, तो वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे स्टील, केमिकल, आईआईटी, ऑटोमोबाइल आदि। तभी तो सब्सिडरी कंपनीज ज़्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से हमेशा ज़्यादा ही रहता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने ज्यादा अमीर कैसे हुए। चलिए मैं आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करता हूँ। तो दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं, जब लगभग आधे शेयर ही उनके नाम है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती गई। इसलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन का हो गया था। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वह कंपनी से 1% से भी कम का शेयर लेते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दरोबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। टाटा जी अपनी फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। तो क्या समझे आप, अगर वो सिर्फ चैरिटी वाला पैसा भी अपने नाम कर लें तो वो शायद सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि मुकेश अंबानी केवल कागजों पे ही अमीर हैं और दिल के अमीर अपने रतन टाटा जी हैं। तीसरा, जैसे खर्चे वैसे चर्चे, दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन जहाँ एक के दिखते हैं खर्चे तो वहीं दूसरे कम ही होते हैं चर्चे। कहते हैं कि जो दिखता है वही तो बिकता है। जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए और तो मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का करोड़ों का आलिशान प्राइवेट जेट भी गिफ्ट किया है और साथ में कई लग्जरी कार भी गिफ्ट की हैं, जिनके चर्चे खूब होते हैं। लेकिन दोस्तों मुकेश अंबानी ने इतना ही खर्च नहीं किया है, बल्कि इनके खर्चों की तो और भी ज़्यादा संख्या है। जैसे कि इन्होंने एक सोलर पैनल यार्ड भी बनवाया है जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपये है। उसकी तरह ही लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। उनकी बीवी यानी नीता अंबानी को तो और भी ज़्यादा आपने नए नए कपड़ों में देखा होगा, उनको बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें भी यूज करती हैं। तो दोस्तों अब जैसे मुकेश अंबानी है वैसे ही तो उनके नौकरों को भी रहना पड़ेगा, तो वो अपने नौकरों को भी बहुत ही लग्जरी कार गिफ्ट करते हैं और तो और उनको एंटीलिया में रहने के लिए जगह भी देते हैं। अब बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। उन्होंने हमेशा से सिंपल लाइफस्टाइल ही पसंद की है। उनका घर काफ़ी सिंपल और एलिजेंट है। वह कई बड़े खर्चे नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश को दोनों को आगे बढ़ा सकें। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट और यूनियन टेरेटरी फैल गया है। टाटा ग्रुप स्पेशल वर्ग में भी काफ़ी आगे। यही कारण है कि मुकेश अंबानी अगर एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो वो बहुत ही तेजी से वायरल हो जाएगा, जबकि स्पेशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा उतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वह खुद का काम छुप छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों यही थी इनकी लाइफ स्टाइल दोनों की और दोनों का यही था रुतबा। तो दोस्तों आपको कौन अच्छा लगा, मुकेश अंबानी या रतन टाटा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।